फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ बिना लहसुन प्याज के हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी का वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे हम छील लेंगे। ये सब्जी पूड़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, आलू को मैंने छील लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने सभी आलू छील लिए हैं, अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है और इसे हम तुरंत पानी में डाल देंगे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। सभी आलू को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और इसे हम पानी में डाल देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले मैंने 1 चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, 1/2 चम्मच सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है, आपके पास जो सौंफ हो वही इस्तेमाल करिए, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 4 से 5 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। अब इसे हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। इसे हमें बारीक पीस लेना है। देखिए, इसे मैंने बिना पानी डाले बारीक पीस लिया है। इस सब्जी को मैं कुकर में बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, आप जो भी तेल खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे, घी आप इसमें ज़रूर डालें, इससे सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। तेल गर्म होने पे 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें 3 हरी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता, ये सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे और आँच को हम धीमा ही रखेंगे, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। इन सभी मसालों को हमें हल्की आँच पर ही भुनना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे, हींग आप जरूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सभी मसाले भुन गए हैं, अब जो मसाला मैंने पीसा था उन सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम हल्की आँच पर इसका कच्चापन दूर होने तक भुनेंगे। तेज करने पर मसाले जल जाएंगे, इसलिए हमें सभी मसालों को धीमे ही आँच पे भुनना है। मसाला भुन गया है, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, हलवाई काले नमक का ही प्रयोग सब्जी में करते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने मिर्च पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो जल जाता है। देखिए, सभी मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था, उसे डाल देंगे और उसी के साथ हम इसमें प्लेन नमक डालेंगे। नमक मैंने पहले भी डाला है, इसलिए नमक को ध्यान से डालें। टमाटर के साथ मैंने नमक इसलिए डाला है जिससे टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में चलाते हुए हम मसाले को पका लेंगे और इसे ढक देंगे। देखिए, मसाला पक गया है। मसाले के भुन जाने पर अब हम इसमें सारे आलू डाल देंगे और आलू के साथ मसाले को हम अच्छी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से आलू को भी मसाले के साथ भून लेंगे। इसे हम ढक ढक के थोड़ी देर तक भून लेंगे, जिससे आलू अच्छी तरह से भुन जाए और मसाला भी आलू में भिन जाए। देखिए, आलू अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए गरम पानी डालेंगे। पानी आप गरम ही डालें, ग्रेवी आप अपने अनुसार पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। 3 से 4 सीटी आने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए। देखिए, मैंने बंद कर दिया था, अब इसे मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और कसूरी मेथी डालकर चला देंगे। सब्जी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें कुछ आलू फोड़कर भी डाल सकते हैं, इससे ग्रेवी और भी थिक हो जाती है और खाने में भी अच्छा स्वाद आता है। मैंने इसमें कुछ हरी मिर्च खड़ी डाल दी थी, जिसका वीडियो नहीं शूट हो पाया है। आप चाहें तो इसे डालें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे पूड़ी के साथ सर्व करिए, ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बेहद ही आसान है।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।